नमस्कार मु आखिलास प्रिय दर्शक बंधु जीवन तोहार कार्यक्रम रे पुनर्बार मु आपण मानकु स्वागत जणा आजर ध्यान निमन्ते पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल द्वितीय राजावली 15 अध्याय 23 पदरु 38 पद पर्यंत पाठ करिबा। आजर मुख्य प्रसंग हला ईश्वरक चेतावनी चालू अछि। प्रिय दर्शक बंधु आसन्तु आजर शास्त्रांशकु मिलित भाबरे पाठ करिबा। जीहुदारा राजा असरियंकर अधिकारर 50 वर्षरे मनहेमंकर पुत्र पक्कीह समरियारे इस्राएल उपरे राज्य करिबाकु आरंभ करी 2 वर्ष राज्य कले। पुणि से सदाप्रभुंक दृष्टिरे कुकर्म कले। नबाटर पुत्र जारबियम जद्वारा इस्राएल को पाप कराइथिले तांकर से समस्त पापरु से विमुख हेले नाही। आउ रमलियंकर पुत्र पेक नामक तांकर सेनापति तांक विरुद्ध रे चक्रांत करी तांकु ओ तांक संगे अर्गब ओ अरियुकी समरिया स्थित राजगृह रे दुर्ग रे आघात कले। पुणि तांक संगे 50 जन गिलियदीय लोक थिले। आउ से तांकु बद्ध करी तांक पदरे राज्य कले। एई पकहियकर अवशिष्ट वृत्तांत ओ तांकर समस्त क्रिया इस्राएल राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लिखित अछि। जीहुदार राजा असरियंकर अधिकारर 92 वर्षरे रमलियंकर पुत्र पेकह समरियारे इस्राएल उपरे राज्य करिबाकु आरंभ करी 20 वर्ष राज्य कले। पुणि से सदाप्रभुंक दृष्टिरे कुकर्म कले। नबाटर पुत्र जारबियम जद्वारा इस्राएल को पाप कराइथिले तांकर से सबु पापरु से विमुख हेले नाही। इस्राएलर राजा पेकहंकर समयरे असुरर राजा टिग्लात पिलेसरासी इयन ओ आबेल बैथमाखा ओ जान ओ केदस ओ हाथसर ओ गिलियत ओ गालिली ओ समुदाय नप्ताली देश हस्तगत कला। आउ से लोकमानंकु बंदी करी असुरकु नेइगला। एउतारे एलांकर पुत्र हसेय रमलियंकर पुत्र पेकहंक विरुद्धरे चक्रांत कले ओ से तांकु आघात करी बध कले। पुणि उसियंकर पुत्र जथमंकर अधिकारर 20 वर्षरे से पेकहंकर पदरे राज्य कले। एही पेकहंकर अवशिष्ट वृत्तांत ओ तांकर समस्त क्रिया इस्राएलर राजामानंक इतिहास पुस्तकरे लिखित अछि। इस्राएलर राजा रमलियंकर पुत्र पेकहंकर अधिकारर 2 वर्षरे जीहुदार राजा उसियंकर पुत्र जथम राज्य करिबाकु आरंभ कले। से राज्य करिबाकु आरंभ करिबा समय रे 25 वर्ष वयस्क होइथिले ओ से जेरुसालम रे 16 वर्ष राज्य कले। आउ तांको मातांकर नाम जेरुसा। से साधकर कन्या थिले। जथम सदाप्रभुंक दृष्टि रे यथार्थ कर्म कले। से आपना पिता उसियंकर समस्त क्रियानुसारे कर्म कले। तथापि उच्चस्थली मान दूरीकृत हेला नाही। लोकमाने से समय रे उच्चस्थली मानरे बलिदान कले ओ धूप जळाइले। से सदाप्रभुंक गृहर उपर द्वार दृढ़ कले। एही जथमकर अवशिष्ट वृत्तांत ओ तांकर समस्त क्रिया कोण जीहुदा राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नाही। से समय रे सदाप्रभु अरामर राजा रुत्सिन को ओ रमलियंकर पुत्र पेकहंकु जीहुदा विरुद्ध रे पठाइबाकु आरंभ कले। अनंतर जथम आपणा पितृगण सहित शयन कले। आपणा पूर्वपुरुष दाऊदंकर नगर रे आपणा पितृगण संगे कबर पाइले। तो तांकर पुत्र आहस तांक पदरे राज्य कले। प्रिय दर्शक बंधु आसन्तु आजिर पठित शास्त्रांशकु बुझिबा निमन्ते चेष्टा करिबा। मात्र 2 वर्ष इस्राएलर राजा हेबा परे पकहिय पेकहंक द्वारा हत्या करा जायथला। असुरर हसेयंक द्वारा पेकहंकु हत्या करा जायथला। पेकह हसेय द्वारा हत्या हेला जे असुर पक्षरे थिला। एहा द्वारा इस्राएल अधीनस्थ हेला। किंतु नूतन राजा माने भलो नथिले एवं ईश्वरक आगरे मंद कार्य जारी रखिले। जीवदारे जथम सिंहासन को गले
जथम को जने भल राजा भाव बेचना करा किंतु से उच्च स्थान गुड़ी को हटाई नथिले। जथम मृत्यु परे पुओ आहास स्थान रे राजत्व कले। से समय इस्राएल अराम सहित मिलित होई जीवदार उपरे आक्रमण कला। प्रिय दर्शक बंधु आसंतु आजिर पठित शास्त्रांश ध्यान रे ईश्वर आपणा को किभळी भाबरे प्रकाश करंदी ताहा जानिबा। अन्य देशर आक्रमण द्वारा परमेश्वर जीवदार राजा जथम को आघात कले। से जीवदा उपरे अनुशासन बाड़ी पठाइले। अनुशासन उपस्थिति सर्वदा अर्थ करे जे ईश्वर ए पर्यंत परित्याग करिनांति। जदि ईश्वर आमको भल पाती ना तेबे से निज लोक मानी अनुशासन बाड़ी व्यवहार करिवे नाही। प्रिय दर्शक बंधु आसंतु आज पठित शास्त्रांश ध्यान रे ईश्वर आंभ मानको कौन शिखेबा चाहती ताहा शिक्षा करु। विश्वास हृदय एवं मनर परिवर्तन हेउची एक प्रकृत संस्कार। जिखरियंक परि पेक मध्य जारबियमक पाखरु विमुख हेले नाही। जदिओ राजा नेता मानको नूतन व्यक्ति मानक सहित बदलाय जाए एवं निया जाए तेबे प्रकृत संस्कार सफल हेबो नाही। जदि आमे ईश्वरक सम्मुखरे पवित्र आत्मांक द्वारा नवीकरण न हो। प्रिय दर्शक बंधु आजिर शास्त्रांश ध्यान रे प्रभु आम प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु। आसंतु आम्भे माने प्रार्थना करिबा। प्रिय पवित्र प्रभु आजिर सुंदर वाक्य पाए विशेष विशेष धन्यवाद। प्रभु आजिर परिवर्तनशील जगत रे आमाने जेमिति तुमठारे निर्भरशील होइ जीवन काटिबु पिता मानको सहाय्य कर। धन्यवाद दे जीशुंक नामर मागुछ पिता आमेन।